नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस प्लान का नाम सामने आते ही हम भारतवासी थोड़े उखड़ जाते हैं। यानी अगर कोई आपको कहे कि सर आप एक इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लीजिए, तो आपका एक जनरल रिएक्शन होगा, नहीं नहीं मुझे अभी जरूरत नहीं है, मैं बाद में ले लूंगा, मैंने ऑलरेडी छोटा मोटा इंश्योरेंस ले रखा है। एक बहुत बड़ा चैलेंज दोस्तों ये है कि भारतवर्ष में 25 से 35 उम्र जो एक इफेक्टिव कमाना शुरू करने की या अच्छा कमाने की एज अगर मैं कहूं, उस उम्र के क्लास में यानी उस उम्र वर्ग में लगभग 17% लोग ही इंश्योर्ड है। ये एक कितना बड़ा डेटा है ये दिखाने के लिए कि हम लोग अपना प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं कराते। मेरा पर्पस कतई यहां आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना नहीं है दोस्तों, मेरा पर्पस है यहां आपको टर्म प्लान के बारे में अवगत करा कि आखिर ये टर्म प्लान क्या है। और मैं इसे एक सरल भाषा में कहूं तो दोस्तों, इंश्योरेंस का सबसे सस्ता सुंदर सरल उपाय है टर्म प्लान। तो मेरे इस डिस्कशन से आप तक एक क्यूरियोसिटी तो जागृत हुई होगी कि चलिए फिर टर्म प्लान को समझते हैं और ऐसी कोशिश करें कि क्यों ना हमें भी एक टर्म प्लान लेकर के हम रखें, ऐसी हमारी एक प्लानिंग। सो जस्ट टू बेनिफिट द पब्लिक एट लार्ज इन टर्म्स ऑफ दे बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड कि टर्म प्लान क्या है और टर्म प्लान लेते समय क्या बातें ध्यान रखनी है, टर्म प्लान के फीचर्स क्या क्या होते हैं या इससे जुड़े और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको एक रिटेल इन्वेस्टर के रूप में या एक इंश्योर्ड पर्सन के रूप में जानने चाहिए, ये बातें लेकर के दोस्तों आज के इस वीडियो से मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। दोस्तों आपकी क्यूरियोसिटी ये होगी कि चलिए अनूप जी, मैं अगर अब आपके साथ सीखता हूं कि लाइफ इंश्योरेंस प्लान मुझे भी लेना है, तो पहले ये तो बताइए कि कितने तरीके के इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है सर आपका। देखिए पहला तो यही टर्म प्लान जिस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। कुछ एंडोमेंट प्लान्स होते हैं। एंडोमेंट प्लान क्या है कि आप यदि हमारे यहां सर भारतवर्ष में इंश्योरेंस प्लान को एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के रूप में भी बेचा जाता है। इसके अपने तर्क हैं कि क्या ऐसा करना सही है नहीं है, लेकिन हम जनरली ऐसा बोलते हैं कि ओके, अगर आपकी उम्र से 45 ईयर होगी तो आपको इतना पेमेंट मिल जाएगा, 60 ईयर्स पर इतना पेमेंट मिल जाएगा, 70 ईयर्स पर इतना पेमेंट हो जाएगा। तो एक प्रकार की ये प्लान एंडोमेंट प्लान कहलाते हैं, जिनमें एक सर्टेन पीरियड पर एसएससी को कुछ रिटर्न सर्टेन रेट से मिलता है। वो रिटर्न रेगुलर भी हो सकता है या वो रिटर्न वन टाइम भी हो सकता है। इसी प्रकार दोस्तों एक वेरिएशन कालांतर में डेवलप हुआ यूलिप प्लान, कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जिसमें म्यूचुअल फंड की तर्ज पर आपके इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में भी कुछ एक्सटेंड तक किए जाते, तो इनको यूलिप प्लान कहा जाता। फिर मैं कहूंगा कि इनमें सिंपल प्लेन वनीला प्रोडक्ट है टर्म प्लान। और मेरा इस वीडियो का पर्पस आप तक टर्म प्लान की विशेषताएं या इसकी जानकारी शेयर करना ही है। तो चलिए दोस्तों अब आपके साथ शुरू करता हूं ये चर्चा कि टर्म प्लान क्या है, इसके कुछ फीचर्स या कुछ मुख्य विशेषताएं आपके सामने रखता हूं। इट इज अ प्योर रिस्क कवर प्रोडक्ट। अब रिस्क कवर प्रोडक्ट का मतलब क्या है सर, आप इसको ऐसा समझें कि मान लीजिए मैंने अपनी लाइफ पर एक टर्म कवर लिया 1 करोड़ का, कि मुझे लगता है कि मैं साल के मान लीजिए 10 लाख कमाता हूं, कल मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवारजनों को मैं एक बार लगभग अपने 10 साल की कमाई के बराबर से 1 करोड़ रुपए की अमाउंट छोड़ जाए ताकि उनकी गुजर बसर किसी प्रकार से चलती रहे। तो ये जो 1 करोड़ रुपए का अब मैंने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या है, रिस्क कवर प्रोडक्ट है। रिस्क कवर क्या है कि अगर मेरे जीवन को किसी प्रकार की क्षति होती है तो मेरे परिवारजनों को एक साथ एकमुश्त राशि मिल जाए। यानी अगर मैं इस रिस्क कवर प्रोडक्ट में जा रहा हूं तो मैं ये समझ रहा हूं कि मुझे यहां कोई रिटर्न नहीं मिलना है। यानी मुझे यहां पर यह नहीं है कि मेरा प्रीमियम वापस हो जाएगा, मैं केवल एक रिस्क को कवर कर रहा हूं कि अगर कुछ सडनली हो गया तो एक लमसम पेमेंट परिवारजनों तक पहुंचे। So, ये भी बात क्लियर हुई कि इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं, जैसे एंडोमेंट प्लान्स दोस्तों जो होते हैं या यूलिप प्लान जो होते हैं वो कुछ हद तक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी, चाहे रिटर्न कितना भी हो, लेकिन उनमें आपको आपकी लगी पूंजी वापस मिलेगी, रिटर्न के साथ मिलेगी। पर टर्म प्लान एक प्रकार का रिस्क कवर प्रोडक्ट है। यूजुअली सम एश्योर्ड इज हायर एज कंपेयर टू अदर प्लान। तो यहां पर सम एश्योर्ड जो है, अब देखिए दो चीजें, प्रीमियम ज्यादा होना चाहिए या सम एश्योर्ड, यानी आपको जो कवर मिलना चाहिए वो ज्यादा हो। आप कहेंगे अनूप जी प्रीमियम कम और सम एश्योर्ड ज्यादा। बिल्कुल सर, यही तो बात है, यहां कम प्रीमियम में आपको ज्यादा सम एश्योर्ड मिलेगा एज कंपेयर टू एंडोमेंट पॉलिसी, एज कंपेयर टू यूलिप पॉलिसी। साथ साथ दोस्तों जो आप कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं टर्म प्लान में, उसका आपको इनकम टैक्स की धारा 80C में डिडक्शन मिलता है 1.5 लाख की सीमा तक।
द असेसी में हैव प्रोविजन और द क्लाइंट में हैव प्रोविजन फॉर रिटर्न ऑफ कैपिटल और। देखिए दोस्तों, आजकल कुछ ऐसे टर्म प्लान के प्रोडक्ट भी बनने लगे हैं कि आफ्टर सर्टेन एज वो आपका लगा प्रीमियम भी आपको वापस दे देंगे। पर एक बात समझिए, एक प्योर रिस्क कवर प्रोडक्ट जिसमें आपको हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम देते जाना है। मैं इस बात को और इस उदाहरण से रखता हूं कि आपने एक नई गाड़ी ली, मान लीजिए 12 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की, और उस गाड़ी पर आप साल का प्रीमियम देखिएगा सर 35,000 रुपए आता है। यानी 12 15 लाख रुपए की गाड़ी पर 35-40 हजार रुपए का नई गाड़ी पे प्रीमियम आ रहा है। मान लीजिए आपकी उम्र है 25 साल या 30 साल और आप 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, उसका प्रीमियम आ रहा है साल का से 25,000-30,000। आपकी वैल्यू ज्यादा है दोस्तों या आपकी गाड़ी की वैल्यू ज्यादा है? यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट मैसेज आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट। मेरा ये कहना अक्सर रहता है और यूथ को जब भी मैं मिलता हूं, हालांकि मैं खुद भी अभी यूथ ही कैटेगरी में आता हूं, ऐसे लोग जो नए नए कमाना शुरू होते हैं, मेरा उनको सबसे पहला सजेशन होता है कि साहब आप अपनी बेसिक जरूरतें पूरी करने के बाद अपनी यंग एज में एक बड़ा इंश्योरेंस कवर टर्म प्लान जरूर लीजिए। उससे सर उन्हें दो फायदे हैं। पहला, उन्हें कम एज में एक अच्छा कवर कम प्रीमियम पर मिल जाता है। दूसरा, जब आप एक अच्छा रिस्क कवर प्रोडक्ट ले लेते हैं तो आपको हर चीज का बार बार इंश्योरेंस करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे यहां इंडिया में बार बार जब हम छोटे छोटे लोन लेते रहते हैं, चाहे होम लोन लिया या कोई और पर्सनल लोन लिया, तो जो सामने वाली कंपनी जिसने आपको लोन दिया वो कोशिश करेगी कि आपको उसका भी एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट दे दे कि साहब कल को आपको कुछ हो गया तो ये लोन इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी, आपको देने की जरूरत नहीं। भाई जब मैंने एक बड़ा टर्म प्लान ले लिया 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का, अब मुझे बार बार छोटे छोटे इंश्योरेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत बड़ी मेंटेलिटी यहां बनाने की आवश्यकता है। फर्दर, फिक्स प्रीमियम प्रोडक्ट विद डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन। कि टर्म प्लान दोस्तों क्या होता है, ये एक प्रकार का फिक्स प्रीमियम प्रोडक्ट है। इसमें आपको पेमेंट के ऑप्शन मंथली भी मिल सकते हैं, क्वार्टरली भी मिल सकते हैं, ईयरली भी मिल सकते हैं, वो आपको जैसे सहूलियत हो आप चुने। प्रीमियम अमाउंट इज डिपेंडेंट ऑन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो आपका प्रीमियम डिसाइड होगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पहला तो आपका एज। अगर आपकी एज कम है तो आपका प्रीमियम कम होगा, एज बढ़ती जाएगी प्रीमियम ज्यादा होगा। इसलिए कम एज पर बड़ा टर्म प्लान लेना एक टारगेट होना चाहिए। एनुअल इनकम आपकी कितनी है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इनकम ज्यादा होगी तो ही कवर ज्यादा मिलेगा। इनकम अगर प्रेजेंटली कम है तो आपको इंश्योरेंस कवर भी कम मिलेगा। पर आप निश्चिंत रहे, अगर आपकी इनकम बाद में बढ़ती है सब्सिक्वेंट ईयर में, तो आप अपने टर्म प्लान का कवर भी बढ़ा सकते हैं। न केवल ये बल्कि आप हर साल भी टर्म प्लान का कवर बढ़ाने के लिए भी एक ऑप्शन कोई टर्म प्लान लेते समय ऑप्ट कर सकते हैं। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपके टर्म कवर की अमाउंट डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और दोस्तों कई और राइडर्स भी जुड़े होते हैं, जैसे क्रिटिकल इलनेस का राइडर हो गया, एक्सीडेंटल डेथ का राइडर हो गया। ये सारे राइडर्स मिला करके, राइडर यानी कोई अतिरिक्त लाभ अगर आप कवर में लेना चाहें, तो ये सब चीजें मिल करके आपके प्रीमियम अमाउंट को तय करती है। सो ये एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग यहां मैंने फीचर्स के रूप में रखी। नाउ वंस आई डिस्कस विद यू के टर्म प्लान के की फीचर्स क्या हैं, आपको टर्म प्लान की एक मोटा मोटी रूपरेखा समझ में आ गई। अब आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अनूप जी ये तो बताइए कि अच्छा मान लीजिए मैं रेडी हो गया आपकी सलाह से या किसी भी और माध्यम से कि मेरे को एक टर्म प्लान लेना है, तो हाउ टू पिकअप द बेस्ट इंश्योरर। आप ये कैसे पकड़ेंगे कि कौन बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है जो आपको टर्म प्लान देगी? तो मैं आपको यहां कुछ सलाह अपनी ओर से दे रहा हूं कि यू कैन कंपेयर द प्रीमियम ऑफ टर्म प्लान्स विच आर ऑफर्ड बाय डिफरेंट इंश्योरर्स विद द सेम इनपुट। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि देखिए अगर आपके राइडर अलग अलग कंपैरिजन करते समय अलग अलग इंश्योरेंस प्रोवाइडर के राइडर्स अलग अलग हैं तो आपके प्रीमियम अलग आएंगे। तो आप सबसे पहले प्लेन वनीला प्रोडक्ट पर जाइए कि साहब मुझे 1 करोड़ का 2 करोड़ का 50 लाख का एक प्लान चाहिए, मेरी एज से 25 साल 35 साल 45 साल है, वो आपको वहां DOB इंसर्ट करना है। तो आपको बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन साइट्स बनी हुई हैं, चाहे आप पॉलिसी बाजार बोलिए या कोई भी और साइट बोलिए, जहां पर आपको ऑलरेडी एक कंपैरिजन वो उपलब्ध करा देंगे कि फला इंश्योरेंस कंपनी में आपका इतना प्रीमियम है, फला इंश्योरेंस कंपनी में आपका इतना प्रीमियम है। ये एक कंपैरिजन आपको करना है। लेकिन साथ साथ दोस्तों आपको ये भी देखना चाहिए कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। अब क्लेम सेटलमेंट रेशियो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज प्रैक्टिकली डिसाइडेड कि इस बात पर क्लेम सेटलमेंट रेशियो तय होता है कि मान लीजिए एक कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 99.5%,
और एक कंपनी का है से 97%, यानी 100 में से 3 क्लेम दूसरी कंपनी रिजेक्ट करती है, और जिसका 99.5 रेशो है वो 100 में से केवल 0.5 यानी 200 में से एक केस रिजेक्ट करती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको हेल्प करेगा कि मुझे किस इंश्योरर के पास जाना चाहिए। और दूसरा नेचुरली यू मे सी कि कहां आपको प्रीमियम कम पड़ रहा है और कवरेज ज्यादा मिल रहा है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर बिफोर चूजिंग पॉलिसी फ्रॉम एन इंश्योरर, ये बात मैंने आपके सामने रखी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, कि हम जब इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू कोई पॉलिसी लेते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप उनसे भरपूर क्वेश्चन पूछिए। ये नहीं कि कोई व्यक्ति चलता फिरता आया और उसने बोला साहब मैं आपकी लाइफ का इंश्योरेंस करा देता हूं इतने का। सर जब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं और इतनी लंबी एज के लिए आप एक कमिटमेंट ले रहे हैं मैं प्रीमियम पे करूंगा, तो आप अपने कंसल्टेंट से क्वेश्चन पूछना मत भूलिए। बात करता हूं दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की या पॉइंट्स की जो आपको टर्म प्लान लेते समय ध्यान रखना है। देखिए टर्म प्लान लेते समय आपको ऑटो डेबिट ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन मिल सकता है। ऑटो डेबिट ऑफ प्रीमियम का मतलब क्या है कि पहला प्रीमियम तो आपने स्वयं चेक से या आरटीजीएस से ऑनलाइन दे दिया, क्या अगले प्रीमियम खुद डेबिट होने चाहिए या आपको हर बार चेक देना चाहिए, यह आपकी कन्वीनियंस पर है। लेकिन मेरा मानना है सर, क्योंकि मुझे एक लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी लेनी है, मुझे सुनिश्चित करना है कि मेरा प्रीमियम टाइम टू टाइम अपने आप जाता रहे, तो मेरे जैसे व्यक्ति का तो मानना है कि साहब ऑटो डेबिट के सुविधा लें तो अच्छा रहेगा। वेदर नॉमिनेशन शुड बी एंश्योर्ड और नॉट, सर टर्म प्लान का एक बेसिक बेनिफिट ही यही देना चाहते हैं कि हम अपने परिवारजनों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप टर्म प्लान लेने लेते समय अपना नॉमिनेशन सुनिश्चित करना ना भूलें। रीड इंश्योरेंस पॉलिसी क्लॉजेस, सर इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लॉजेस हम लोग पढ़ते नहीं हैं, मेरा कहना है सर जागो ग्राहक जागो, तो आपको जब इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है तो उसके क्लॉजेस भी पढ़ने चाहिए। व्हाट इफ यू वांट टू डिसकंटिन्यू विद द पॉलिसी और एनहांस द कवर फर्दर, दोनों ऑप्शन पर बात करता हूं। मान लीजिए आपने पॉलिसी ली और अब आपको लगता है कि नहीं मुझे पॉलिसी की जरूरत नहीं है, तो आप प्रीमियम पेमेंट करना बंद कर दीजिए, आपको फर्दर पॉलिसी कंटिन्यू नहीं रहेगी। या तो आपको यानी सुनिश्चित करना है कि आपका प्रीमियम रेगुलर जाए, रेगुलर प्रीमियम नहीं जाएगा तो टर्म प्लान अपने आप बंद हो जाता है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप एनहांस करना चाहते हैं तो उसके दो ऑप्शन है। मान लीजिए आपने पहले पॉलिसी 1 करोड़ की ले ली, या तो उसी समय बोलिए कि साहब मेरा 5% कवर हर साल बढ़ाइए, प्रीमियम भी उसी अनुपात में से बढ़ सकता है, एक तरीका। या आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली थी 10 साल पहले, अब आपको लगता है नहीं साहब मेरा तो 2 करोड़ का होना चाहिए कवर, तो अब आप 1 करोड़ की एक एक्स्ट्रा पॉलिसी और ले सकते हैं। लेकिन जब भी आप एक एक्स्ट्रा कवर लें तो आप एक्स्ट्रा कवर जिससे ले रहे हैं उसको बताइए कि साहब मेरे पास ऑलरेडी 1 करोड़ का कवर है, अब मैं 1 करोड़ का कवर और ले रहा हूं, तो ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मे ऑप्ट फॉर विड्रॉल ऑफ प्रीमियम और पॉलिसी विद इन फ्री लुक पीरियड, ये भी जागो ग्राहक जागो के तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग हमें पता होनी चाहिए कि साहब एक फ्री लुक पीरियड हर कंपनी आपको 15 से 30 दिन का देती है। जब आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको आएगा, आपको लगता है कि सब कुछ मिस कमिटमेंट हुआ है या मिस अंडरस्टैंडिंग है, तो आप उस पीरियड के अंदर पॉलिसी को लौटा भी सकते हैं और उस केस में आपका प्रीमियम मिल जाएगा। लेकिन ऐसा केवल फर्स्ट प्रीमियम के केस में होता है, यह भी एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था आपको टर्म प्लान लेते समय ध्यान रखनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, हैव यू डिस्क्लोज्ड ऑल एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स, क्या आपने टर्म प्लान लेते समय यदि कोई एग्जिस्टिंग बीमारी हो, चाहे शुगर हो, बीपी हो, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन यदि है तो उन्हें प्रॉपर बता के चलिए, क्योंकि अगर आप अपने टर्म प्लान लेते समय जो एग्जिस्टिंग डिजीज है उसको नहीं बताएंगे, कल किसी वजह से वो टर्म प्लान की मैच्योरिटी का समय आता है तो इंश्योरेंस कंपनीज इसी प्रकार के कारण निकाल करके आपकी पॉलिसी के रिडम्पशन को डिक्लेम डिनाई कर सकते हैं, आपका क्लेम डिनाई कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग आपको यहां ध्यान रखनी चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों आपके सामने रखूंगा कि आज की डेट में लगभग मेरे हिसाब से 99 इयर्स तक की एज का कवर आपको टर्म प्लान के थ्रू मिल रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। और ये इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष ये हिसाब हम 99 इयर्स यानी 100 इयर्स क्यों, और कोई कहता है भटिया जी फिर 100 इयर्स में तो मैं अनइंश्योर्ड हो जाऊंगा, तो मैं कहूंगा सर जो 100 इयर्स दिए गया फिर उसको इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ खूब बढ़िया से देख ली है। सो एट द एंड आई विश कि हम में से किसी को भी टर्म प्लान के मैच्योरिटी की आवश्यकता ही ना पड़े, लेकिन दोस्तों फिर भी टर्म प्लान आपको एक सुरक्षा की भावना देता है कि हाँ मेरी लाइफ पर मैंने एक बड़ा कवर लिया हुआ है, ताकि किसी अनफॉर्चुनेट केस में अगर मुझे कुछ होता है तो
तो मेरे परिवारजनों के लिए मैं एक सब्सटेंशियल अमाउंट छोड़ू, साथ ही साथ एक बार टर्म प्लान लेने के बाद मुझे बार बार लाइफ इंश्योरेंस लेने के झंझट से भी मुक्ति मिलती है। सो आई होप यहां जो कंटेंट मैंने आपके साथ टर्म प्लान पे शेयर किया ये आपके लिए लाभप्रद रहेगा। यदि आपके कुछ प्रश्न हो तो आप मुझे लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उनका भी उत्तर आप तक पहुंचा सकूं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, स्टे इन श्योर।